हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमित म्यूजिकल एजुकेशनल पर। आज बिहार आईटीआई जिसका आप लोगों का इंतजार था उसका फाइनली फॉर्म आ चुका है। आपको बता दें कि बिहार आईटीआई का फॉर्म 5 जुलाई से भरा जाएगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बहुत से लड़कों के मन में ये सवाल है कि क्या बिहार आईटीआई और बिहार पॉलिटेक्निक दोनों का फॉर्म साथ में एक साथ भर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये 100% सही बात है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और आपको ये बता दें कि दोनों का फॉर्म एक साथ आराम से भर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम डेट अलग अलग डेट पे पड़ता है। तो आराम से कोई भी स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक का परीक्षा और बिहार आईटीआई का परीक्षा अलग अलग डेट पर दे सकता है। आईटीआई से जुड़े अगले टॉपिक पर जाते हैं कि आईटीआई के फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी डीक्यू का बात करें तो जनरल का 750 रुपया लगेगा और ईडब्ल्यूएस का भी 750 रुपया लगेगा और एससी एसटी का मात्र 100 रुपया लगेगा और डीक्यू यानी डिसेबल्ड कोटा विकलांग कोटा वालों के लिए 430 रुपये लगेगा। और ये फॉर्म 5 जुलाई से भराना शुरू हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म भराना शुरू होगा फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा और बताऊँगा स्टेप वाइज कि कैसे फॉर्म भराएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों फॉर्म आप लोग आराम से भर सकते हैं। आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही बिहार आईटीआई और बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़े नए अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके पास बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई से जुड़े सभी वीडियो आराम से उपलब्ध हो पाए। थैंक यू।